हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ मैड्यूसा कॉमिक्स के बारे में। सबसे पहले बता दूँ कि ये मेरे पास 40 रुपीज़ वाली रिप्रिंट है और हाल फिलहाल में ही इस कॉमिक को वापस से रिप्रिंट किया गया है। ये एक मल्टी स्टारर कॉमिक है जिसमें है नागराज, ध्रुव, डोगा और परमाणु। हालांकि डोगा और परमाणु का बहुत ही छोटा रोल है, बस आप ये मान लीजिए कि एक एक गेस्ट रोल है इस कॉमिक में, लेकिन फिर भी इसको मल्टी स्टार कॉमिक मान ही सकते हैं। इसकी स्टोरी और कंसेप्ट यही है कि मेड्यूसा एक ऐसी बल है जिसकी आंखों में कोई भी देख ले तो वो पत्थर की मूर्ति बन जाता है। और ये बला कहाँ से आई है, क्यों आई है और इसका मकसद क्या है, ये सब जानने के लिए आपको तो ये कॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। काफ़ी अच्छी इसकी स्टोरी लाइन है और इसका जो आर्ट वर्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। और कलरिंग इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा बहुत सुंदर बने हुए हैं। इसमें मतलब एक और चीज़ है कि पुराने कैरेक्टर्स का कुछ पुराने कैरेक्टर्स का रिटर्न भी होता है, जैसे कपाल कुंडला, जिसको मतलब नागराज की जो खजाना सीरीज आई थी उसमें पहली बार देखा था, और इसका भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है इस कॉमिक में। काफ़ी एक्शन सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा। आर्टवर्क सही में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। मैं आपको बार बार कुछ पेजेस इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस कॉमिक आर्ट वर्क बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। ये देखिए परमाणु की एंट्री हो गई है। फिर उसके बाद डोगा की एंट्री। वही है कि इन दोनों का इस कॉमिक में कुछ ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, ये इनका बस एक गेस्ट रोल है इस कॉमिक में, लेकिन फिर भी मल्टी स्टार कॉमिक ही मानी जाएगी ये। बस लास्ट में इतना ही बोल सकता हूँ कि अगर आप नागराज, ध्रुव, डोगा या परमाणु, अगर आप इनमें से किसी के भी फ़ैन हो तब तो आपको डेफिनेटली ये कॉमिक ख़रीदनी चाहिए। अगर आप इनमें से किसी के भी फ़ैन नहीं भी हो और अगर आप एक अच्छी स्टोरी लाइन और एक बहुत अच्छे आर्टवर्क को इन्जॉय करना चाहते हो तब भी आप इस कॉमिक को बड़े आराम से ख़रीद सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग फुल पैसा वसूल कॉमिक है। बस वीडियो को एंड करने से पहले एक बार फिर से ऑटो दिखा देता हूँ। बहुत ही कम ही कॉमिक्स में ऐसा होता है कि आर्ट वर्क, कलरिंग इतने अच्छे तरीके से देखने को मिलती है। जिसको आप इंजॉय कर सको। कुछ शायद ये रीज़न भी हो सकता है कि जो मेरे पास ये कॉपी है
ये मतलब एक अच्छे पेज के ऊपर प्रिंट हुई पड़ी है, तो शायद इसका भी कारण होगा। बहुत ही सुंदर कॉमिक थी ये, बढ़िया आर्ट वर्क के साथ। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।